नमस्ते दोस्तों, टेक्निकल राम जी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं मेक अ न्यू पैन कार्ड। तो कैसे बनाना है पैन कार्ड, चलो हम दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लो, और ब्राउजर ओपन करने के बाद गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन होते ही आप लिखिए पैन कार्ड मेक बाई NSDL। जैसे ही डालेंगे आपको वेबसाइट की पहली साइड आ जाती है onlinenhdlservices.com करके, वहाँ पे जाइए। अगर आपको न्यू पैन कार्ड बनाना है या कुछ चेंजेस है आपके पैन कार्ड में, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है आप सेलेक्शन कर लो। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेक्स्ट मूवमेंट में पढ़ना है। दूसरी सबसे बात है कि आज का जो हम पैन कार्ड बनाने वाले हैं वो पूरी तरह से भाई आधार कार्ड बेस बनाने वाले हैं। कोई डॉक्यूमेंट आपको फिजिकली सबमिट नहीं करना पड़ेगा, सब ऑनलाइन KYC हो जाएगा। बशर्ते आपके पास जो शर्त यही है कि आपके पास में जो आधार कार्ड है वो आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। तो चलो दोस्तों, ये देख लो हमने वीडियो में जो आपने दिखाया है पहले ही कि यहाँ पे जो ऑप्शन क्या क्या है। जैसे हमारे पास जो है वो पहले से पैन कार्ड है, लेकिन हमें नया मंगाना है। कुछ तो पैन कार्ड में चेंजेस हो गया, तो हम आधार कार्ड के ऊपर बनाएंगे। जैसा आधार कार्ड पे डॉक्यूमेंट है, जो आधार कार्ड पे फोटो है, वही सारी डिटेल हम भरेंगे, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा जब न्यू पैन कार्ड बन के आएगा तो कंप्लीट जो आधार कार्ड का डेटाबेस है वही उस पर आ जाएगा विथ फोटो। तो पहला वाला जो कॉलम दिया हुआ है सरनेम का दिया हुआ है, सेकंड कॉलम आपका जो दिया हुआ है फर्स्ट नेम, और लास्ट वाला कॉलम दिया है मिडिल नेम। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ है, फिर ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है। उसके बाद में जो ऑप्शन है कि वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। खास बात ये है दोस्तों कि जितनी भी कॉलम्स यहाँ पे दिए, यानी कि फर्स्ट वाले प्लेटफॉर्म पे जितने भी दिए हैं, ये एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर ही जो भी आप मतलब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तो आपको जो भी ट्रैकिंग नंबर वगैरह वगैरह जो भी आता है वो इसके ऊपर ही आएगा। तो ये आपको भरना कंपलसरी है और आपको भरना ही पड़ेगा। तो जैसे कि देख लो यहाँ पे सब भर दिया है। उसके बाद में लास्ट में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालो। उसके बाद में पैन कार्ड नंबर टाइप करने के बाद में यहाँ पे आपको आएगा वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया जैसे आएगा तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में यस बोलिए, क्योंकि आप तो इंडियन ही हो। टर्म्स एंड कंडीशन में एग्री करना है और बॉक्स को आपको चेक करना है। उसके बाद में नीचे एक कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा को फिलअप करो जो भी लिखा हुआ है वहाँ पे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो जस्ट बगल में एक एरो राउंड सर्कल की रहता है, आप उसको क्लिक करके रिफ्रेश कर सकते हो और न्यू कैप्चा भर सकते हो। भरने के बाद में आप सबमिट करो। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास में ये विंडो देख लो, ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का एक फॉर्म खुल के आ जाता है। फॉर्म खुलने के बाद में आप डिटेल सेव कर लो। उसके बाद में हम चलो दोस्तों स्टार्ट कर देंगे फॉर्म को भरना। तो जैसे हम फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है। जैसे कि हमने अपना पैन कार्ड नंबर डाला आ गया है, तो हमें क्या करना है, हम तो भाई अपना इंडिविजुअल बना रहे हैं, तो मैं मेरे आधार कार्ड से बनाऊंगा, तो मैं मेरे आधार कार्ड की डिटेल डालूंगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि लास्ट 4 डिजिट का आधार कार्ड नंबर डाल दो। देन उसके बाद यहाँ पे दिया है कि आपको जो फोटोग्राफ है आपके पैन कार्ड पे वो आप कौन सा चाहते हो। तो डेफिनेटली यार हम बोलेंगे कि हम आधार कार्ड से KYC कर रहे हैं, तो आप हमारे आधार कार्ड पे जो फोटोज़ है वही फ़ोटो हमारे पैन कार्ड के लिए। बाकी किसी भी कॉलम में आप देखो माउस करोगे ना, वहाँ पे आपको एड्रेस वगैरह टाइप करने नहीं देगा, बिकॉज हम जो है आधार KYC के थ्रू कर रहे हैं। और पिछले फॉर्म में जो हमने नेम वगैरह मिडिल नेम सरनेम डेट ऑफ बर्थ एंड ये सारी जो डिटेल्स भरी थी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप होके आ जाती है। और उसके बाद में यहाँ पे आप जेंडर चेक कर लो। जेंडर चेक करने के बाद जो भी मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर या थर्ड जो भी रहता है। और सबसे बड़ी बात होती है पैन कार्ड का ऐसा फॉर्म रहता है कि वहाँ पे आपको वो पूछता है कि आपको यहाँ पे अपने मम्मी पापा दोनों लोगों का नाम भरना है। तो फटाफट जो भी है आपके पास में एप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी जिसका भी पैन कार्ड का फॉर्म भर रहे हैं, उनके पापा का सरनेम मम्मी का नेम ये फिलअप करने के बाद में आप जब सबसे नीचे वाले कॉलम में आओगे तो वो पूछता है कि आपका जो पैन कार्ड है आप पैन कार्ड के ऊपर किसका नाम चाहते हो, आपके मम्मी का नंबर चाहते हो या फिर पापा का नेम चाहते हो। तो एज योर विश, जिनको जिससे भी करना है, यानी मम्मी का नाम रखना है तो मम्मी का रख लो, पापा का रखना है तो पापा का, बट आपको ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना है यहाँ पे फादर्स या मदर्स। तो जनरली जो होता है 99% फादर नेम ही रहता है। और फॉर्म जैसे ही भर जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको ये जो सेव का बटन है ना, मैं क्लिक कर रहा हूँ, सेव करना जरूरी है, क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म भर के सेव करते हो ना फॉर्म सेव हो जाता है। अगर किसी रीजन से इंटरनेट नहीं है इधर उधर हुआ तो आप वापस से उसी पेज पे आ सकते हो। तो आपने देखा ऊपर मेरा जो कर्सर है कहीं काम नहीं कर रहा था। अभी मुझे यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देना है कि मेरे पास जो मोबाइल है उसका कंट्री कोड क्या है एंड देन मेरा मोबाइल नंबर क्या है वो, क्योंकि उसी के ऊपर कंट्री डिसाइड होती है। देन आपको मैसेज या जो भी डिटेल्स है पैन कार्ड से रिलेटेड वो मैसेज के थ्रू आ जाती है और ईजिली आप आ जाते हो। तो ये भी फॉर्म मेरा कंप्लीट हो गया है। तो अब मेरा काम क्या है, ये फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हो गया तो मैं इस फॉर्म को भी सेव कर दूंगा और नेक्स्ट वाले कॉलम पे बढ़ जाऊंगा, ताकि
कुछ भी इंटरनेट या अदर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वो मेरा फॉर्म एज इट इज भरा हुआ मिले। अभी देखो मैंने मेरे आधार कार्ड से किया दोस्तों, तो जितने भी चीज़ों में देखो प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ बर्थ एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे बोल रहा है प्रूफ ऑफ पैन, तो आप सिंगल डॉक्यूमेंट यानी वन सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे मैंने आपको नन दिखाया लेकिन नन पे वो लेता नहीं है, आपको देना ही पड़ता है कि यहाँ पे क्या सिग्नल। देन उसके बाद आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको आई वी जो भी है आपका अपना नाम देना है और आपको डिक्लेयर करना है कि मैं जो ये फॉर्म भर रहा हूँ वो सही है, मेरे द्वारा जो भी डेटा दिया जा रहा है वो भी सही है और मैं सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मेरा पैन कार्ड बनाया जाए। तो मैंने देखो यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि आई वी हैव इनक्लोज वन डॉक्यूमेंट और मेरा प्लेस क्या है, मैंने वो प्लेस रख दिया। प्लेस के बाद में जो भी ऑप्शन है, देखो मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो है मैंने ऑप्शन नहीं लिया क्या है, तो वहाँ पे मुझे देना पड़ेगा कि मैं एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ, कोई भी एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया कि नॉन ऑफ डॉक्यूमेंट। इसके बाद में दोस्तों जो है कि आपने देखा होगा पहले जब हम फॉर्म भर रहे थे तो वहाँ पे हमने आधार कार्ड के अपने 4 डिजिट लास्ट के भरे थे, अभी ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको आधार कार्ड के आपके वापस स्टार्टिंग के 8 डिजिट भरना है, ताकि वो आपके आधार कार्ड को वेरीफाई करेगा आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया है या जो भी आपका ऑटोमेटिक KYC होगा उसके थ्रू। तो अब यहाँ पे बोलता है कि नेम एज पर आधार, अगर आपको कुछ ऐसा चेंजेस है नेम एज पर आधार चाहिए या नहीं चाहिए तो वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो। देन उसके बाद में ये पूरी तरह से फॉर्म खुल गया जो भी हमने फॉर्म फिलअप किया हुआ था। टॉप टू बॉटम आप एक बार अपना क्रॉस चेक कर लो, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी एक भी वर्ड अगर मिसिंग हो गया है तो उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक फॉर्म को फिलअप कीजिए, उसमें कुछ छोड़ नहीं सकते और डरने की कोई बात नहीं। अगर लगता है कि आपने कुछ गलत भर दिया है यहाँ पे तो यहीं से आप बैक जा सकते हो या फिर से रीलॉगिन कर सकते हो। रीलॉगिन करने के लिए उनका अलग अलग सेटअप रहता है, उसके लिए कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट आप अपना एकदम केयरफुली अपना फॉर्म चेक कर लो, जैसे मदर नेम चाहिए पैन कार्ड पे या कौन सा नाम चाहिए, तो आपको फॉर्म चेक होने के बाद में आप जो भी है ऊपर नीचे स्क्रॉल करके चेक करो, फॉर्म कम्प्लीटली चेक होना चाहिए। उसके बाद में आप सेव ऑप्शन पे फाइल पे क्लिक करो, उसके बाद आप आगे की तरफ मूव कर सकते हो और उसके बाद में फिर ये ऑप्शन है प्रोसेस। प्रोसेस जैसे ही करोगे तो कम्प्लीटली वो नेक्स्ट पेज पे चलेगा, तो चलो हम प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे आ जाता है। पेमेंट गेटवे में आप अलग अलग डेबिट क्रेडिट कार्ड UPI जिस माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते हो कर सकते हो। टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करो, उसके बाद में प्रोसेस करो। तो मैंने जैसे प्रोसेस कर दिया तो ये बोलता है टोटल लगभग 106 रुपये समथिंग लगते हैं चार्जेस, डिपेंड ऑन मतलब क्या चल रहा है, जैसे 105 रुपये समथिंग इसी तरह। प्रोसेस टू मेक पेमेंट, उसके बाद ये है कि ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का हम पेमेंट कर रहे हैं, टोटल 106 रुपये 90 पैसा। पे टू कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में हमें ये गेटवे के ऊपर लेके जाएगा। जैसे मैंने जो वहाँ पे गेटवे सेलेक्ट किया था, यहाँ पे ऑप्शन आपको ढेर सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे आपको UPI के थ्रू पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है, जैसे भी करना है कर लो। तो मैं यहाँ पे मेरा इंटर UPI आईडी में जनरली क्या होता है आपके UPI आईडीज भी रहती है, किसी किसी का रहता है कि मोबाइल नंबर के थ्रू लिंक रहता है, तो आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो जो भी आपकी UPI आईडी यहाँ पे वेरीफाई कीजिए, प्रोसेस कीजिए। प्रोसेस करने के बाद जैसे ही जो भी UPI आईडी दिए होंगे लाइक गूगल पे, पेटीएम, जिसका भी, तो आप उस विंडो पे जाइए और वहाँ पे कंफर्म करके जो भी 106 रुपये का आपको नोटिफिकेशन आया हुआ है पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करते ही ये विंडो जो है इस तरह से चेंज हो जाएगी और बोलती है कि आप वेट करो, हम एक बार पेमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, यानी कि इनकम टैक्स का जो साइड यानी पैन कार्ड का जो पेमेंट गेटवे है वो आपके पेमेंट को वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद सक्सेसफुल बोलता है, देन आप प्रोसेस कर दो। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन आधार पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को चेक कीजिए। चेक करने के बाद में आपको इस पेज को ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, अगर आप ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं तो आप कंटिन्यू कर पाए नहीं कर पाएंगे। जैसे ही ऑथेंटिकेट करेंगे तो ये बोलता है कंटिन्यू, यहाँ पे देखो कंटिन्यू विथ eKYC। eKYC क्या होता है, मतलब ऑनलाइन KYC होती है, जैसे हम जिस चीज़ से भी KYC करना चाहते हैं, जैसे हम अभी फिलहाल आधार कार्ड से कर रहे हैं, तो eKYC में क्या हो जाएगा कि जैसे हम eKYC पे क्लिक करेंगे ये हमारे आधार डेटाबेस को लेके आएगा और बोलेगा यहाँ पे आप पुटअप करो और जो OTP आई है eKYC के लिए, वो KYC यहाँ पे हमें OTP डालना बहुत जरूरी। तो आधार कार्ड नंबर हमने सबमिट कर दिया था, अभी हमारे मोबाइल नंबर पे एक आधार कार्ड का जो OTP आता है वो हमें यहाँ पे सबमिट करना बहुत जरूरी है। अगर हम सबमिट नहीं करते हैं तो फिर आगे की KYC रुक जाएगी भाई और आपका पैन कार्ड भी नहीं बन पाएगा। तो OTP आने के बाद में आप यहाँ पे OTP टाइप कीजिए, टाइप करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे नेक्स्ट विंडो आ जाएगी, नेक्स्ट विंडो में क्या क्या प्रोसेस करना है वो मैं आपको कंटिन्यू बताता हूँ।
तो हमारा पहला जो था ई केवाईसी हो गया है। अब हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यू विद ई साइन। ई साइन का मतलब क्या होता है कि जैसे हम इस पर क्लिक करके इसे भी वेरीफाई करेंगे तो हमारा जब पैन कार्ड बन के आएगा तो वहाँ पे ना एक वाइट कलर का एक स्पेस ओपन रहता है जहाँ पे आप खुद से साइन कर सकते हो। तो आप ये लोग देख लो, जैसे हमने क्लिक किया वहाँ पे, अगेन ये हमारे आधार कार्ड से वेरीफाई करेगा कि भाई आप जो बना रहे हो सच में आपको ई केवाईसी यानी ई साइन करनी है कि नहीं करनी। मैं बोलूँगा यस। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि आपके पास वर्चुअल आईडी नंबर है तो वो डाल दो, आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल दो। देन उसके बाद में ये जो टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बॉक्स दिए उस पर चेक कीजिए, सेंड ओटीपी कीजिए। ओटीपी सेंड करेंगे अगेन आपके आधार नंबर पे आएगा। तो दोनों दोस्तों सबसे खास बात ये है कि सेम प्रोसेस अगर आप न्यू पैन कार्ड बना रहे हो तो सेम यही प्रोसेस है, और अगर आपके पैन कार्ड में कोई चेंजेस है या करेक्शन है, टूट गया, खो गया, चोरी हो गया, तो भी यही प्रोसेस है, उसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको आधार कार्ड बना रहे हो, मतलब आपका पैन कार्ड बना रहे हो, तो आधार कार्ड से ऑथेंटिकेट कीजिए और सबमिट कर दीजिए। मैक्सिमम 10 to 15 डेज वर्किंग डेज में आपके आ जाते हैं। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई ओटीपी कीजिए। जैसे ही ये वेरीफाई ओटीपी करेगा आपका फॉर्म सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट विंडो में वही दिखाने वाला हूँ। और तकरीबन ये जैसे ही आप सबमिट करते हो तो अराउंड आपको मैंने जैसे बताया कि 1 to 10 डेज वर्किंग, जैसे सैटरडे संडे काउंट नहीं होता है या बीच में कोई हॉलीडे आ गया तो वो काउंट नहीं आता है। अभी ये क्या किया है, देखो यहाँ पे मेरा फॉर्म खोल दिया, बोलते हैं ये इंक्रिप्टेड है, तो मुझे वहाँ पे दिया हिंट दिया है कि अगर मुझे मेरे उस ई साइन फॉर्म को अगर खोल के चेक करना है कि मैंने क्या क्या भरा है, तो वहाँ पे दिया हुआ है क्या इंस्ट्रक्शन, जैसे पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, तो वो डाल दीजिए, खुल गया। तो ये देख लो दोस्तों, ये ओपन हो गया। यहाँ पे मुझे ना ब्लैंक एक दिया ना थंब जैसा ऑप्शन, तो जब मेरा पैन कार्ड आएगा तो ये उसी तरह से ओपन रहेगा और मैं मेरे पैन कार्ड पे मेरे मार्कर से या जो भी है ऑप्शन बचेगा साइन। तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लो कि ये जो दिख रहा है आप डॉक्यूमेंट को सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आप का जो डॉक्यूमेंट फाइल नंबर क्या है, ट्रैकिंग नंबर क्या है। एक्नॉलेजमेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे आप पैन कार्ड ट्रैक कर सकते हो। आप एक दिन के बाद, जैसे आज अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया तो एक दिन के बाद चेक कीजिए, वो स्टेटस जो है वेबसाइट के पोर्टल यानी NSDL के पोर्टल पे दिखाने लगता है कि आपके पैन कार्ड का क्या स्टेटस है। तो उसके चेक करने के लिए कुछ नहीं है, गूगल ओपन कर लीजिए, उसमें लिख दीजिए कि ट्रैक पैन कार्ड स्टेटस, तो ये विंडो आ जाती है। यानी इस विंडो पे क्लिक करने के बाद मैंने बताया था ना एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होता है वो आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ता है। देन उसका कैप्चा है, कैप्चा टाइप करने के बाद देखिए क्या बोल रहा है, देख लो आप, जो डिटेल आ गया, योर एप्लीकेशन फॉर न्यू पैन कार्ड या चेंजेस करेक्शन पैन कार्ड डेटा अंडर प्रोसेस एट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोग इस पैन कार्ड को क्लियर करेगा आपका पैन कार्ड आ जाएगा। तो आप इसके बाद क्या करना है, आप 7 दिन बाद चेक करो दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आप लाइक करेंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मैं दोस्तों आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि 7 डेज के बाद में यानी कि चेक आफ्टर 7 डेज स्टेटस क्या दिखता है। तो उसके बाद यही दिखेगा कि योर पैन कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच्ड और मिल जाएगा। तो आप लोगों दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।